अपराध यानी कि क्राइम, छोटा हो या बड़ा अपराध अपराध होता है जिससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम आपको क्राइम सीन सीरीज के तहत कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप सन्न रह सकते हैं। क्राइम का पहला सीन है बनारस के जयपुरा थाने का, जहां 4.5 साल के एक मासूम की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बच्चे का शव थर्माकोल के डिब्बे में छिपाया हुआ मिला। दोषीपुरा निवासी बुनकर मोहम्मद जुनैद के दो बेटे हैं। छोटा बेटा 4.5 साल का अब्बू इस्माइल शनिवार से ही घर से लापता था। रविवार सुबह जयपुरा के बुनकर मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब खंगाली गई, तो दोषीपुरा निवासी शाहिद जमाल अबू इस्माइल को साथ लेकर जाते हुए नजर आया, जिस पर पुलिस ने शाहिद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बयां की। उसने बताया कि अबू इस्माइल को अगवा करके गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी घटना है सोनभद्र की। नकली नोटों की आपूर्ति करने वाले गिरोह के सदस्यों ने जिले में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। ठगों ने एक दुकानदार को नकली 100 के नोटों की 5 गड्डी देकर 5-5 सौ के 7 नोट उड़ा लिए। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। घटना की पूरी खबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। बहरहाल तीसरा क्राइम सीन हुआ भदोही में, जहां ड्यूटी पर जा रहे रेलवे स्टेशन सूर्यावा के गेटमैन को बदमाशों ने घायल कर छिनैती कर ली। बदमाश गेटमैन का पर्स और मोबाइल लेकर फरार हो गए। स्टेशन अधीक्षक ने इसकी शिकायत RPF से की है। तो आप भी रहे सावधान, अपने आसपास संदिग्धों की थोड़ी सी भी भनक लगने पर तुरंत पुलिस को कॉल करें और एक अच्छे नागरिक का फर्ज जरूर निभाएं। ऐसे ही कुछ और क्राइम सीन के साथ मैं जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।